आज अपने घर के अंदर बैठे बैठे मैं यही बात कह रहा था अपने आप से कि तुमसे ना हो पाएगा। आज हम लोगों ने बात करनी है पासपोर्ट, पासपोर्ट कैसे बनता है। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ये काम और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी है। 25th of August को मैंने अपना पासपोर्ट इनिशिएट किया था। अभी तक मेरे पास पासपोर्ट नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना पासपोर्ट बनवा लेता हूँ, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और थोड़ा सा आप लोगों के लिए शेयर करने के लिए भी कुछ होगा। खुद एक्सपीरियंस नहीं करूंगा उस चीज़ को तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करूंगा। वेबसाइट के ऊपर मैंने लॉगिन किया, अपना लॉगिन क्रिएट किया। इस लॉगिन के लिए और पासपोर्ट भरने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो क्रिएट किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद मैंने उसे पूरा फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म फिलअप करने के बाद फॉर्म में भी ऐसा कुछ नहीं है, जनरल आपका जो चीज़ें होती हैं आपकी एजुकेशन के बारे में, आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका एड्रेस या यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। अगर आप कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं और आप थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं तो यू कैन डू दिस, आप आराम से कर सकते हैं। कोई ऐसा इसमें बड़ा चीज़ नहीं है। जो इंटरव्यू स्लॉट था वो तो मैंने 25 तारीख को ही बुक कर लिया था। जब आप फॉर्म भरते हैं उसमें पेमेंट इनिशिएट करते हैं तो पेमेंट इनिशिएट ही तब होता है जब आप पासपोर्ट का जो स्लॉट है अपना बुक कर लेते हैं और पेमेंट करने के बाद वो कंफर्म हो जाता है। तो 25 तारीख को अपना स्लॉट बुक करने के बाद मैं वेट करने लगा। मैंने 28 तारीख के लिए बुक किया था बट जो साथ में जो SMS सर्विस होती है वो मैंने भी ली थी। अब लोगों का तो मानना ये है कि फालतू में 50 रुपये वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है बट मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी। 27 तारीख को मेरे पास पहला मैसेज आया कि आपका जो अपॉइंटमेंट 28 तारीख को बुक है उसका बैच नंबर ये है और सीक्वेंस नंबर ये है। हमें गिवन टाइम से जो अपॉइंटमेंट टाइम है उससे 15 मिनट पहले आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। उस दिन बारिश भी काफ़ी थी और हमें PSK गाज़ियाबाद जाना था। बारिश काफ़ी थी, सारे में पानी भरा हुआ था तो हम लोग मैं काफ़ी जल्दी निकल गया था और वहाँ पे मैंने लगभग लगभग 1 घंटा पहले रिपोर्ट कर दिया। सबसे पहले जो PSK है उस पर जो गार्ड बैठा रहता है उससे मुलाकात हुई। अगर आप मैसेज होल्ड कर रहे हो अपने फ़ोन में तभी वो आपको अंदर जाने देगा, अदरवाइज नहीं जाने देगा। मास्क हमने ऑलरेडी पहना हुआ था लेकिन फिर भी उन्होंने सैनिटाइज करने के लिए एक बार बोला तो हमने अपने बैग में से सैनिटाइज़र निकाल के अपने हाथ सैनिटाइज किए। हम अंदर गए तो वहाँ पे 3-4 जो क्यूज थी वो लगी हुई थी जहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक हो रहे थे। जैसे हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया था वेबसाइट पर हम उसी हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके ले गए थे, बल्कि मैं कहूँ तो हम एक्स्ट्रा ही ले गए थे, ओरिजिनल्स भी वहाँ पर दिखाने लगे थे। और उसके बाद लाइन में लगने के बाद उन्होंने हमें बताया कि 4 सेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका जो काम है वो एक ही सेट में हो जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं थी तो जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे वो उन्होंने उसमें अटैच किए और बाकी हमें वापस कर दिए कि ये आप रख लीजिए।
लगते ही मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड तीनों एक ही पेज पे प्रिंट थे, आगे पीछे दोनों साइड थे। बट उन्होंने कहा कि हमें सिंपल एक आधार कार्ड की कॉपी चाहिए जो आगे पीछे फ्रंट एंड बैक दोनों एक ही पेज के ऊपर हो। तो BSK के अंदर ही एक फोटोकॉपी शॉप है, वहीं से करवाया। उसके बाद में उन्होंने वहाँ से हमें एक अनदर रूम में फॉरवर्ड किया, आगे भेजा। बताया था वहाँ पे एक टोकन नंबर दिया था कि ये टोकन नंबर है, जब ये डिस्प्ले होगा तो डिस्प्ले होने के साथ साथ वो केबिन नंबर भी बताएगा। उन केबिन्स के अंदर वो लोग बैठे रहते हैं जो सारी जो पेपर वर्क है वो एग्जैक्टली करते हैं और थोड़ा सा प्रोसीजर आगे बढ़ाते हैं पासपोर्ट का। पर था टोकन नंबर मेरा वहाँ पे डिस्प्ले हुआ, मैंने केबिन नंबर चेक किया तो मैं उस केबिन में जाके बैठ गया। फर्स्टली तो उन्होंने वहाँ पे फिर से एक बार हैंड सैनिटाइज करने के लिए बोला। वो तो देखिए कोविड है, प्रॉब्लम है जिसकी अभी कोई मेडिसिन नहीं बनी है, तो वो तो जगह जगह मिलना ही था। तो उसके बाद में उन्होंने मुझसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए बोला, 10th का सर्टिफिकेट और उसके अलावा आधार कार्ड मांगा जो मैंने उनको दिखाया। उसके बाद उन्होंने मुझसे जो मैंने सर्विसेज अवेल की थी SMS की, उन्होंने एक बार फिर से कंफर्म की मेरे साथ में कि क्या आप ये सर्विस ले रहे हैं, बिकॉज उसके लिए आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होते हैं और वो PSK में जाके ही होते हैं। जब ये आपका केबिन के अंदर बैठ के आपके डॉक्यूमेंटेशन होता है उस टाइम पे आपका जो है ये होता है। बोला कि आप अगले रूम में जाइए, नेक्स्ट रूम में जाइए और वहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। प्रॉपरली उन्होंने मुझे गाइड किया कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, पासपोर्ट ऑफिसर्स हैं, वो अंदर बैठे हुए हैं, वो कुछ पूछेंगे आपसे तो उन चीज़ों के आपको आंसर देंगे। वहाँ पे बैठने के लिए कोई चेयर नहीं थी, ये मुझे बहुत गलत लगा। और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे वो इस तरीके से भेड़ बकरी की तरह कर रहे थे, बस जल्दी जल्दी उन्हें सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ करनी थी। उन्होंने मुझसे सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे कि पासपोर्ट किस पर्पज़ से बनवाना है, तो मैंने उनको बता दिया कि जॉब के पर्पज़ से बनवाना है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि आपका एड्रेस क्या है, दैट्स इट। बल्कि तीसरा क्वेश्चन मैंने ही अपनी तरफ से पूछा, पासपोर्ट कब तक मिलेगा, तो उन्होंने मुझे बोला था कि अभी कोविड का टाइम है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट एग्जैक्ट उन्होंने मुझे कोई टाइम नहीं बताया। मैं भी थोड़ा इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़ था कि कितना टाइम लगेगा। चलिए नॉट एन इशू, वहाँ से अपना पैकअप करके मैं वापस घर आ गया। जैसा कि मैंने SMS सर्विस अवेल की हुई थी तो 31st of August को मेरे पास में मैसेज आ गया कि आपका जो फाइल है वो लॉग हो चुका है। सारा कुछ होने के बाद मेरे पास 14th of September को PSK का मैसेज आता है कि हमने आपकी जो फाइल है, मैसेज में फाइल नंबर वगैरह मेंशन किया हुआ था कि हमारी आपकी जो फाइल है वो हमने पुलिस स्टेशन में, आपके लोकल पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर दी है, आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में संपर्क कीजिए। तो ऐसे केस में हमें, अगर आप जाके मिलना चाहते हैं, इफ़ यू विश, तो आप जाके मिल सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं रहती है। जो भी कंसर्न ऑफिसर होता है, ऑफिसर कॉन्स्टेबल जो भी होता है, वो आपका नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको जो है पूछेंगे आपके घर आने के लिए। मैं उम्मीद ये कर रहा था कि वो लोग मेरे घर पे आएंगे, मेरी उनसे बात हुई, लेकिन कोविड के चलते उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम घर में नहीं आएंगे, आपको हमारे पास पुलिस स्टेशन आना होगा। तो जो मेरा लोकल पुलिस स्टेशन बनता था, मैं वहाँ पे गया। उन्होंने मुझसे कुछ एक क्वेश्चंस पूछे, कहाँ रहते हैं आप, आपके फादर का नाम क्या है और कितने साल से रह रहे हैं, यही जनरल क्वेश्चंस पूछने के बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, ये जो फाइल जो है हम पासपोर्ट ऑफिस को वापस रिटर्न भेज देंगे। 21st of September को मेरे पास मैसेज आता है कि आपकी जो फाइल है और जिसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था, वो फाइल हमारे पास आ चुकी है वापस, आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है दैट इज पॉजिटिव। के बाद नेक्स्ट मैसेज मेरे पास 21st को ही आया, एक दिन में पासपोर्ट प्रिंट हो गया एंड देन डिस्पैच भी हो गया। मेरे 2 केसेस थे, एक तो ये कि मैंने 60 पेजेस का जो पासपोर्ट था वो मैंने ऑर्डर किया था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगना था, और दूसरा जो था वो सभी के साथ था, कोविड की वजह से थोड़ा टाइम लगना था। 21st को जो मैसेज मुझे, दूसरा मैसेज जो रिसीव हुआ था, उसमें स्पीड पोस्ट का, गवर्नमेंट जो हमारा जो इंडियन पोस्ट है उसके स्पीड पोस्ट का नंबर दिया हुआ था, ट्रैकिंग नंबर,
उसके थ्रू मैंने डे बाई डे डेली लगभग डेली मैं उसको चेक करता था कहाँ पहुँचा है कहाँ पहुँचा है। 29th ऑफ सेप्टेम्बर को मुझे मेरा पासपोर्ट रिसीव हो गया। अगर मैं बात करूँ तो इस पूरे प्रोसीजर में मुझे 1 महीना 1 दिन लगा। तो नॉर्मली जो चीज़ आप लोग तो मानते हैं कि पासपोर्ट बहुत जल्दी बन जाता है, तो भाई मैं ऐसा नहीं मानता। और इस 1 महीने के टाइम को, इस टाइम ड्यूरेशन को मैं बिल्कुल करेक्ट मानता हूँ। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। पासपोर्ट इज लाइक अ आइडेंटिटी कार्ड, एक पास है, ये एक आईडी है जो आपको हेल्प करेगी इस कंट्री से बाहर विजिट करने में या बाहर सेटल होने में, वट एवर योर टास्क इज। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको जो करना है, सबसे पहली चीज़ आपके पास होनी चाहिए आपकी 10th की सर्टिफिकेट। दूसरा आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका आधार कार्ड। तीसरा जो होना चाहिए आपके पास एक ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी, जो इस पूरे प्रोसीजर के दौरान लाइव रहे। तीसरा जो ज़रूरत पड़ती है वो है आपका मोबाइल फ़ोन। और चौथा मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप एसएमएस सर्विस को अवेल। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर डिस्क्रिपेंसी आपके साथ में कुछ है, लाइक आपके आधार कार्ड में कुछ और नाम है और आपके मार्कशीट में कुछ और नाम है या कुछ और प्रॉब्लम है। अगर डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्यूमेंट्स के अंदर मिसमैच है तो पक्का आपका पासपोर्ट नहीं बन पाएगा, प्रोसेस ही नहीं होगा, आपको पीएसके से ही वापस कर दिया जाएगा। थोड़ा सा अगर आपके पास अल्टरनेट है, सपोज एक केस है जो मेरा अपना है, मेरे आधार कार्ड में मेरा फादर नेम प्रिंटेड नहीं है, तो पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन के टाइम पे और जो आपका पासपोर्ट ऑफिस में पीएसके के अंदर जो इंटरव्यू के टाइम पे मुझसे दोनों जगह एक ही सवाल पूछा गया कि आपके आधार कार्ड में फादर नेम प्रिंटेड नहीं है, क्या आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है जो आपका फादर नेम वेरीफाई कर सके। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल है, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड एंड जो मेरा जो आपका पैन कार्ड है, दोनों आप देख लीजिए। तो वहाँ पे दोनों जगह ये ही दिया गया। इसके अलावा ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी, ना मुझे कहीं कोई किसी भी तरह का कोई और एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ा। एक मैंने पेमेंट किया 50 रुपये का, जो कि कैश में था, जो पीएसके में जाके हुआ था, और दूसरा पेमेंट मैंने अपना लॉगिन बनाते टाइम या फॉर्म भरते टाइम जो किया था, 2200 रुपये मेरे टोटल लगे हैं या फिर जो आने जाने का खर्चा है। इसके अलावा मेरा 1 पैसा कहीं से भी कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट मुझे नहीं करनी पड़ा। तो टोटल 1 महीने के अंदर मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में है। जो एक फॉर्म है उसको कैसे फिल करना है और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो क्रिएशन करना है। तो इसी के साथ ही आज का सेशन ख़त्म करते हैं और मेरे साथ बने रहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं, बस।